हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल क्रिस्पी करारे खस्ते समोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी चटनी के साथ, जो इस समोसे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपके भी समोसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बने। तो इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 2 कप मैदा, इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हमेशा इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी और नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मोयन के लिए हम तेल ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसे गरम करना है, इतना गरम करना है कि इसमें से धुआं निकले। तो 2 कप मैदा में मैंने पहले 5 चम्मच इस तरह से तेल डाला है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथों से मत मिलाइए, इस तरह चम्मच से इसे मिला लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसे हाथों से क्रम करेंगे, और जब भी हम मोयन लगाते हैं तो हाथों में जब हम इसे बांधें तो वो बंद जाना चाहिए और एक बार में टूटना चाहिए, ऐसा मोयन हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये बन नहीं रहा है, बहुत जल्दी से टूट रहा है। तो इसमें मैं 2 चम्मच और तेल डालूंगी। आप मोयन बहुत ज़्यादा भी मत डालिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिए, इस तरह से चम्मच से मिलाइए और फिर हम इसे हाथों से मिलाएंगे, अच्छे तरह से हम मिलाएंगे। और इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि ये हाथों में बंध रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं अभी ये बंध रहा है और एक ही बार में टूट रहा है, तो मोयन बहुत अच्छे से लगा है। अब हम इसे नीट करेंगे नॉर्मल वाटर से, वार्म वाटर या गर्म पानी या फ्रिज का ठंडा पानी भी लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी से ही इसे नीट करिए। और जो डो है वो हमारा टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट डो हमें नहीं लगाना है, और डो को हम टाइट ही नीट करेंगे तभी हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। डो को बनाने के बाद हम इसे 30 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है समोसों के लिए, तो 30 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वेलकम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ मैंने 18 से 20 लहसुन लिया है, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ लिया है और अदरक लिया है, उसे मैंने कोर्सली ग्राइंड करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। 5 से 6 आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और इसे मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। आप छोटे बड़े चंक्स रख सकते हैं समोसों में। अब हम मसाले बनाएंगे, तो मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाला था, जीरा डाला है और क्रश्ड धनिया डालना है। धनिया को हम थोड़ा सा उसे क्रश कर लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे पीनट, मूंगफली। और मूंगफली जब हम फ्राई करते हैं तो लो फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा काजू मैंने डाला है, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाला है, और इसके बाद जो हमने ग्रीन चिलीज और अदरक लहसुन का जो कोर्सली ग्राइंड पेस्ट था वो हम डालेंगे। मैंने आधा डाला है, आधा मैंने चटनी के लिए रखा हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया और जीरे का पाउडर, तो 1/2 टीस्पून करके मैंने दोनों डाला है। इसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। नमक डाला है, नमक स्वाद अनुसार डालिए। इसके बाद जो आलू था वो हम डाल देंगे। आलू को आप मैश भी कर सकते हैं या थोड़े छोटे बड़े चंक्स आप रख सकते हैं, समोसे में अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसमें ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे किशमिश। किशमिश को आप तेल में मत डालिए, नहीं तो वो जल जाता है, आप बीच में डालिए। इसके बाद हम अमचूर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस थोड़ा सा डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। चटनी के लिए एक बोल में हम लेंगे थोड़ा पानी, इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट, ये रेडीमेड पेस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। और जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची को ग्राइंड किया था वो डालेंगे। नॉर्मल नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारा तैयार है। ये चटनी देखने में सिंपल है पर समोसों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम डो को इस तरह से रोल करेंगे और इसे इक्वल साइज के हम इसके बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स को इस तरह से हम बना के रख देंगे। और इसे ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सूख सकते हैं। अब हम इसे बेलेंगे तो हमें लंबा बेलना है, ओवल शेप में बेलना है, हमें राउंड नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं वैसे हमें नहीं बनाना है, हमें ओवल शेप में इसे बेलना है। और बीच से हम इस तरह से इसे कट लगाएंगे और चारों तरफ से हम पानी लगाएंगे और दोनों एजेस को जो है हम इस तरह से जोड़ के दोनों एजेस को बीच में लाके हम एक कोन का शेप देंगे। और आप सील अच्छे से करिए, नहीं तो फ्राई करते समय खुल सकता है। बीच में इस तरह से हम मोड़ेंगे और स्टफिंग आप 1 से 2 चम्मच ही डालिए, बहुत ज़्यादा भर के स्टफिंग मत डालिए, मसाला जो है बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। और इस तरह से हम समोसे का शेप देंगे। दूसरे समोसे को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एजेस में पानी लगाएंगे और दोनों एजेस को जोड़ के हम कोन का शेप देंगे। बीच में इस तरह से हम मोड़ लेंगे
और 1 से 1.5 चम्मच हम या 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे और इसके बाद हम इस तरह से समोसे का शेप देंगे। तो हमारे समोसे तैयार हैं। आप गुजिया में जो शेप होता है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप दबाइए और मोड़ते जाइए, इससे भी समोसे बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस तरह से भी आप समोसे को सील कर सकते हैं। समोसे बना लेने के बाद 15 मिनट के लिए आप ज़रूर छोड़िए, नहीं तो ये फ्राई करते समय खुल सकते हैं। और जब भी हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस गुनगुना होना चाहिए, ल्यूकवॉर्म होना चाहिए। और हम समोसों को डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक बार में मत डालिए, और लो फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा कलर नहीं आता है। इस तरह से हम मोड़ेंगे। होता है कभी कभी कि समोसे खुल जाते हैं अगर आपने अच्छे से सील नहीं किया है तो मेरे भी 1-2 समोसे खुल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा तेल सोक ये नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खुला है। तो आप 15 मिनट का रेस्ट उसे ज़रूर दीजिए, बना लेने के बाद फ्राई करने से पहले 15 मिनट आप इसे ज़रूर छोड़िए। तो हमारा जो समोसा है वो तैयार है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और 10 से 12 मिनट लगता है एक बैच फ्राई होने में। तो जब समोसे में हल्का कलर आ जाए तब आप मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर देने के लिए, लेकिन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट आप लो फ्लेम में ही फ्राई करिए। तो हमारा क्रिस्पी समोसा तैयार है बहुत ही टेस्टी चटनी के साथ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड कीप वॉचिंग।